डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में हमने एक समूह लोक रस के बारे में पढ़ा था और उसके गुणधर्म पढ़े थे। इसमें कुछ बातें हैं जो अपने को ऐड करनी है। जैसे मान लो बिंदु आवेश अगर है तो बिंदु आवेश के कारण समूह लोक रस कैसा होगा उसका हम डिस्कस करते हैं। बिंदु आवेश के कारण संविभव पृष्ठ किस टाइप का होगा। इधर देखो, मान लो बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला हमने पढ़ा था kq बटे में स्मॉल r। क्लियर है, जहां पे r दूरी है बिंदु की। अगर इस बिंदु आवेश से मैं स्मॉल r त्रिज्या का कोई वृत्त बनाऊं तो इस वृत्त के सभी बिंदुओं पर जो विभव होगा, देखो ये kq बटे r, इधर भी 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 kq बटे r। एक दूसरा अगर वृत्त और बनाऊं मैं, सॉरी गोला अगर और बनाएं हम, तो इस गोले की त्रिज्या मान लो r1 है, इसकी त्रिज्या है r2। देखो इस छोटे वाले गोले के ऊपर जो विभव रहेगा हो जाएगा kq बटे में r1, बड़े वाले गोले का जो विभव हो जाएगा हो जाएगा kq बटे में r2। देखो ये भी एक समविभव पृष्ठ है क्योंकि इसके सभी बिंदुओं पर जो विभव है ये kq बटा r1 होगा। ऐसे ये भी एक समविभव पृष्ठ है। तो ध्यान रखना, बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होता है वो गोलाकार होता है, गोलीय होता है। समविभव पृष्ठ गोलीय होता है। क्लियर है भाई? अब अगर अपना रेखीय आवेश है, मतलब कोई तार के ऊपर आवेश वितरित है, मान लो कोई तार है उस पर आवेश होगा, वो एक बेलनाकार होगा, इसी आकार का एक बड़ा बेलन अगर हम बनाएं, देखो विद्युत क्षेत्र जो है उसके हमेशा लंबवत रहेगा। तो अगर बेलना अगर रेखीय आवेश है ना, रेखीय आवेश, तो इसके कारण जो समविभव पृष्ठ बनता है वो बनता है बेलनाकार। क्लियर है भाई? इस टाइप से इस पूरे बेलन पर विभव समान रहेगा। ऐसे ही अगर हमने ये बेलन लिया दूसरा, इसके ऊपर भी विभव समान रहेगा, तो ये भी एक समविभव पृष्ठ है, ये भी एक समविभव पृष्ठ होगा। क्लियर है? तो समविभव पृष्ठ पर जो